एवरीवन, वेलकम बैक साधना ब्लॉग। तो गाइस, आज हम बिना दही के कढ़ी बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए हम पहले मसाला तैयार करेंगे। मसाला तैयार करने के लिए हमने एक प्याज काट लिया है, जिसको हम मिक्सर वाटी में डालेंगे। सात से आठ मिर्चा हमने लिया है। उसके बाद हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे। हमने मसाला को पीस लिया है। हमारा मसाला आप देख रहे हैं कैसे तैयार हो गया है। अब इसमें हम आधा चम्मच हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च ऐड करेंगे, आधा चम्मच हम इसमें धनिया ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें एक चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे और आधा चम्मच सब्जी मसाला ऐड करेंगे। कढ़ी में सेव डालने के लिए हमने 100 ग्राम बेसन लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा हल्दी ऐड करेंगे, पिंच ऑफ, जिससे हमारा कलर थोड़ा सा अच्छा दिखे। और इसमें हम हल्का सा नमक ऐड करेंगे। अब इसे हम थोड़ा सा पानी डाल के हल्का सा गूथेंगे। में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। अब इसमें हम कढ़ी के सेव को फ्राई करेंगे। हमने सेव को तल दिया है, आप देख रहे हैं ऐसा दिख रहा है। अब हमने कढ़ाई में तेल में जीरा डाला है, पचफोरन डाला है, इसमें हमने मसाला को डाल दिया है। अब इसे हम धीमी आंच में पकाएंगे। धीमी आंच में पकाएंगे 10 मिनट तक, जब तेल कढ़ाई से छोड़ने लगेगा। उसके बाद हम इसमें हमने बेसन का घोल बना दिया है, अभी इसको फेंट रहे हैं। मसाला जब पक जाएगा तो इसको हम उसमें ऐड करेंगे। हमने 2 से 3 मुट्ठी बेसन लिया है। हमारा मसाला पक रहा है कढ़ाई में, आप देख सकते हैं। अभी से हम 10 मिनट तक पकाएंगे। हमने थोड़ा सा भजिया भी तल लिया है, इसको कढ़ी में डालेंगे। अब हमारा मसाला पकने वाला है, बस थोड़ा सा समय और है, लगभग पक गया है, आप देख सकते हो। अब इसमें हम नमक स्वादानुसार ऐड करेंगे। बेसन का घोल ऐड करेंगे, धीरे धीरे ऐड करेंगे। इसे हम ढक देंगे और इसको पकने देंगे 10 मिनट के बाद। इसमें हम
आप देख रहे हैं कढ़ी पक चुकी है। अब इसमें हम बेसन का सेव एंड पकौड़े डालेंगे। अब इसे हम 5 मिनट तक पकाएंगे। बस 5 मिनट तक पका के बंद कर देंगे गैस को। हमारी कढ़ी तैयार है बिना दही के।